हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें नीट के और जेई मेन के प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे जो नीट में आने की जिनके चांसेस रहते हैं, तो वो क्वेश्चन भी लगातार मैं इस सीरीज में डालता रहूँगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी टॉपिक से, इसमें नीट 2019 में आए हुए क्वेश्चन से। ए फोर्स एफ इक्वल टू 20 + 10i एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इन मीटर। वर्क डन बाई दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 मीटर इज। तो हमें पता है कि इसमें फोर्स क्या दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है। तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी वाई। तो मैं एफ डॉट डी वाई इंटीग्रेशन लिखा, मैंने लिमिट लगाई 0 से 1 के बीच में, फोर्स की वैल्यू पुट करी मैंने 20 + 10y इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेट करूंगा तो पहले डी वाई को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 20dy + 10y dy। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, y² / 2। ये सब कुछ पुट किया तो ये क्या था बना 20y + 5y². अब मैंने लिमिट पुट करी तो अपर लिमिट 20 × 1 + 5 × 1² माइनस लोअर लिमिट 0। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना आ गया, 25 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लगातार जो क्वेश्चन मिलेंगे हो सकता है आपके लिए कोई भी कंपटीशन में हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।